अबे सुन सुन सुन, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 चालू हो गया। अबे मालूम है, कटारिया जीतेगा कटारिया। अबे हट, शिवानी कुमारी जीतेगी शिवानी कुमारी। अबे तू ऐसा नहीं मानेगा, देख कराटे देख कराटे। अच्छा, आजा 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 देख ले। ओए वो देख कटारिया कहां कहां कहां। अबे मादर चोद, बिग बॉस। भाई ये एक ऐसा कीड़ा है जो दिल दिमाग हाथ कान नेक गुर्दे फेफड़े सब पर वर्क करता है। भाई अगर मुझसे पूछोगे कि दुनिया का सबसे बेकार शो कौन सा है तो मैं कहूंगा बिग बॉस। और लेकिन इतना बेकार होने के बाद भी मैं इसे डेली देखता हूँ। खैर अब कीड़ा है तो असर तो करेगा ही, क्या कर सकते हैं। तो हमारा और आपका काम है मौज लेना, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो भैया इस बार का बिग बॉस थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस ने इस बार बड़े ही उम्दा छपरियों को बुलाकर अपने घर में घुस दिया है, और उन्हीं में से एक है हमारी बड़ा पाव वाली दीदी। तो भाई ये एक ऐसी लेडी है जिन्होंने घर में जाते जाते ही हक दिया जाकर। चल चूटा, क्या मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, देख लो। किसने तो वॉशरूम यूज किया था, ढंग से फ्लश भी नहीं किया है, कौन जंगली लोग है कसम से यार। चंद्रिका जी, ये आपका वड़ा पाव का ठेला नहीं है जहाँ आप हक कर साफ भी ना करें। अरे दीदी आपकी प्रॉब्लम क्या है यार, आप जहाँ जाती हो वहाँ हकना चालू कर देती हो। माना कि आप बहुत गरीब हो। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। बहनचोद, मैं निखिल गुप्ता पूरे होशो आवाज में अपने शब्द वापस लेता हूँ। देखो यार अब मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये लड़ने में ब्रूस ली की भी अम्मा है यार। तो इनको थोड़ा सा साइड करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे मेरी फेवरेट शिवानी कुमारी के बारे में। हाय फ्रेंड। और भाई इस बार मैं इन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पड़ोस के गांव से हैं यार। अरे नेपोटिज्म? यस। कोलगेट डेंटिस्ट का सुझाव नंबर वन ब्रांड। तो भाई देखो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पड़ोस के गांव से हैं यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। समझा करो बात को थोड़ा। वो बात अलग है, मैं इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता, यूट्यूब पर इनके ब्लॉग्स नहीं देखता। अरे कहना क्या चाहते हो? है क्या कर सकते हैं, नहीं देखता तो नहीं देखता। अब ये घर पर आई हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता लोगों को अपनी आवाज से परेशान ना करे। आपका है? अरे तमीज से बोल सकती है तो उठा रहा हूँ तेरे लिए। अरे तमीज से बात कर सकती है तो? नहीं ऐसे नहीं बोला था पहले हमने, अब हम खा रहे रुकाओ। हाँ, तो बोलो तो। ऐसे, खा रहे हैं उठा रहे हैं ऐसे मत बात। यही माई हमेशा यही बोला था कि हमारी दो बीवियां खाना बनाती हैं, कौन नहीं साथ देता है। भाई कट कर लिए वरना मेरे से बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाएगा अभी। चलिए बुलाते हैं द मैन द मिथ द लेजेंड अरमान मलिक और उनकी वाइफ्स। तो भाई इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा। जी आन है आप भाई, यहाँ लड़के सिंगल मर रहे हैं और ये दो लड़कियों से शादी करके बैठा है। जली ना तेरी भी जली ना। भाई वो तो शुक्र है कि तीसरी की से परमिशन नहीं मिली वरना ये। भाई इसके पास पता नहीं कौन सी ऐसी निंजा टेक्निक है कि इस 6 दिन में लड़कियां पटाकर 7वें दिन उनसे निकाह कर लेता। अरे जियान भाई कुछ बता दो यार, हम जैसे लड़कों को कुछ टिप्स दे दो। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मूड खराब कर दिया भाई सिंह। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।
फिर मिलेंगे आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।